नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज मुहर्रम है और आज के दिन हजरत इमाम हुसैन को मानने वाले खुद को तकलीफ देकर मातम मनाते हैं, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर जुलूस के दौरान विवादित फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। आपके सामने हम चार तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर, और देखिए इस वक्त आपके सामने ये पांच तस्वीरें, और आप देख सकते हैं कि किस तरह कुछ लोग मुहर्रम पर विवादित झंडा लहराकर इस माहौल को खराब करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हुड़दंग और हुड़दंगी यहां दोनों दिख रहा है। बिहार के अलग अलग इलाकों में मुहर्रम जुलूस में जमकर बवाल देखने को मिला। कहीं पुलिस पर हमला किया जाता है तो कहीं दुकानदार की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी गई, कहीं लूटपाट की कोशिश की जाती है तो कहीं लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। हालांकि मुहर्रम जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट पर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। जुलूस पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी तक रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश प्रशासन ने दिए हुए हैं, लेकिन सवाल यही कि मुहर्रम में हुड़दंग आखिर क्यों? तो मुहर्रम जुलूस में हुड़दंग और ताजिया के नाम पर तांडों की घटना को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पटना के राजा बाजार में हुई घटना और मुजफ्फरपुर में पुलिस पर पत्थरबाजी को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर मुसलमानों का वोट लेने वाले लालू प्रसाद और कांग्रेस की जबान आखिर क्यों नहीं खुलती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार में दादागिरी नहीं चलेगी, इसका जवाब उनको देना ही होगा। तो मुंगेर में बड़ी खबर वहां से आती हुई, जहां पर मुहर्रम के दौरान दो पक्ष आपस में ही देखिए किस तरीके से उलझ जाते हैं और जमकर इस दौरान विवाद होता है। एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई है, पत्थरबाजी में कई लोग इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। तो मुहर्रम के दौरान दो पक्ष के लोग आपने सामने आ जाते हैं। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र का यह मामला, पुलिस ने मामले को हालांकि शांत करा लिया है। तो मुंगेर से यह बड़ी खबर, जहां हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में मुहर्रम के दौरान ही दो पक्षों के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए और फिलहाल स्थिति को कंट्रोल में पुलिस की तरफ से किया गया है। तो मुहर्रम के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद से जुड़ी हुई खबर यहां देखिए मुंगेर से आती हुई, और अब तस्वीरें भी आ गई हैं। जरा तस्वीर देख लीजिए किस तरीके के हालात हो गए। आखिर पत्थरबाजी क्यों यहां पर इस तरह के हालात बन गए कि एक दूसरे के सामने लोग जैसे जमकर बवाल करने से भी परहेज करने को तैयार नहीं है। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की न्यूज 18 हालांकि बार बार आपसे अपील करता है, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए और सामाजिक सौहार्द जिसके लिए हम जाने जाते हैं, भाई इस जमीन पर इस जगह पर अपने बीच प्रेम और सौहार्द का माहौल बनाकर रखिए। तो हम लोग से कोई मीटर नहीं था, हम लोग इन्हें ढोल जा रहे थे तो हम लोग सबसे साइड में थे, उधर से ईटा पत्थर चला, हम लोग साइड पर खड़े थे और डायरेक्ट मेरे वहाँ सर पर आके मार रहा था। उधर से ऑसन डोला वाले लोग से उधर से ईटा पत्थर चल रहा था, उधर से डायरेक्ट इन्हें उधर से फायरिंग किया, ईटा पत्थर चल रहा आगे पीछे कारण, और इसमें हम लोग कोई नहीं था और मतलब हम लोग साइड में खड़े थे। तो वहीं नवादा में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराए जाने के बाद पुलिस इस वक्त अलर्ट पर है और अब जुलूस की निगरानी सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए की जाएगी। जिले के सभी थाना में एक ड्रोन मुहैया कराया गया है। ताजिया जिस रास्ते से गुजरेगी उसकी निगरानी ड्रोन से अब होगी ताकि सुरक्षा में कहीं से कोई चूक ना हो जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल। नवादा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराए जाने के बाद नवादा पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ गई है और सभी थानों क्षेत्र को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। अब नवादा पुलिस की रणनीति में थोड़ा बदलाव आया है और जितने भी जो रूट है जहां से ताजिया को गुजरना है, अब जो है उस पूरे रूट पे
ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। और आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि लगभग सभी थाने में जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को एक ड्रोन मुहैया करा दिया गया है, और ड्रोन के जरिए ही जो मार्ग जिसे गुजरेंगे ताजिया उनकी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा इससे पहले भी जो है सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी, मगर अब उन्हें और थोड़ा एडवांस करते हुए उन्हें ड्रोन मुहैया करा दिया गया है और ड्रोन के जरिए ही निगरानी रखी जा रही है। थाना अध्यक्ष हम उनसे हम जानते हैं कितना मददगार होगा आप लोग के लिए ये मतलब सीसीटीवी कैमरा मिलने से थोड़ा कठिनाई होती थी मदद थी कह रहे थे ड्यूटी करने में। इससे है कि भीड़ भाड़ के इलाके में अच्छी से निगरानी रख सकते हैं, जिससे होगा कि असामाजिक तबके के लोग को हम निगरानी अपने ढंग से कर सकते हैं। एक जगह बैठ के हम कई डिस्टेंस तक हम इसका नवादा पुलिस के लगभग सभी थानों में ड्रोन जो है वो उपलब्ध करा दिए गए हैं, और जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। बजाबते यहाँ पे हैंडलर को भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, अगर किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो हैंडलर उन्हें तत्काल मदद पहुँचा सकते हैं। तो नवादा ज़िले में 17 तारीख को ग्रामीण इलाके में तजिया का पहलाम होगा और 18 तारीख को शहरी इलाके में होगा। तो पुलिस की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है और नवादा पुलिस पहले से ज़्यादा अलर्ट मोड पर आ गई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। कैमूर से बड़ी खबर, जहां मुहर्रम जुलूस को लेकर डीजे जब्त किया गया है। पुलिस की कार्रवाई का हालांकि लोगों की तरफ से विरोध किया गया, डीजे बजाने की तैयारी की जा रही थी मुहर्रम जुलूस में, और ऐसे में इसे जब्त किया गया है। हालांकि जैसे ही पुलिस ने जब्त किया इसका विरोध शुरू कर दिया गया। पुलिस को हालांकि विरोध का इस दौरान सामना तक करना पड़ा है। मोहनिया शहर के बड़ी बाजार में यह कार्रवाई की गई, और जरा तस्वीरें देख लीजिए। इस डीजे को बजाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने हालांकि जो पहले से निर्देशित है उसमें कहा है कि भाई कोई डीजे नहीं बजेगा, आप ताजिया निकालिए और इस जुलूस में शामिल भी होइए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। और ऐसे में इस डीजे को बजाने की जब तैयारी थी तो इसे जब्त कर लिया गया मोहनिया शहर के बड़ी बाजार में कार्रवाई करते हुए। कहा जा रहा है कि इस रोक के बावजूद मोहनिया शहर के बड़ी बाजार में एक पिकअप पर डीजे को फिर से तैयार किया जा रहा था, बांधा जा रहा था, कई साउंड बॉक्स इसमें लगे हुए थे। और खबर मिलते ही पुलिस की टीम यहां पर पहुंचती है और कार्रवाई करते हुए इस डीजे को जब्त कर लिया गया। मोहनिया डीएसपी दिलीप कुमार ने कहा कि मुहर्रम को लेकर जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी ने शांति समिति की बैठक की थी, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि डीजे नहीं बजेगा, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीजे पर प्रतिबंध रहेगा, अगर कोई डीजे बजाता है या फिर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोहनिया थाना अंतर्गत एक पिकअप पूरा डीजे भरा हुआ था, उसको जब्त कर का भी थाना में रखी गई है। ऐसी सुविधाएं मिली है कि रामगढ़ में भी कहीं डीजे का पिकअप पर है, तो उसके लिए हम लोग अभी धावा दल को भेजे हुए, उनकी वाटी टीम मेरी गई है, उसको भी हम लोग अविलंब जब्त कर और थाने में करके और विधि समाज उस पर कार्रवाई के लिए आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग बोले हैं कि अगर आपके मना करने के बाद भी अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, अगर कोई डीजे बजाता है और पकड़े जाता है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधि समत कार्रवाई की जाएगी। अभी मुहर्रम को लेकर के डीएम साहब भी पीस कमेटी किए थे और एसडीएम सर के साथ भी पीस कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया था लोगों को डीजे नहीं बजेगा, और लोग मान भी गए थे मीटिंग में इस बात के लिए, मान भी गए थे कि ठीक है डीजे नहीं बजाएंगे। फिर भी कुछ लोग जो है ना डीजे उजे का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ भी हम लोग को सूचना मिल रही है उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। अभी बड़ी बाजार मोहनिया से भी डीजे जब्त की गई है, और लोगों को अपील भी करना चाहेंगे कि इस तरह के काम में शामिल नहीं हो। तो बीपीएससी की तरफ से 19 जुलाई से शुरू होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 को लेकर गोपालगंज में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला मुख्यालय में 5 और हथुआ अनुमंडल में 5 केंद्रों पर दोपहर के 12 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षा होगी। जिला प्रशासन की तरफ से परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। डीएम ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी के साथ जैमर लगाए जा रहे हैं। परीक्षा की तैयारी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। बीपीएससी की ओर से 19 जुलाई से शिक्षक भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया गया है। TRE 3 परीक्षा को लेकर गोपालगंज में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला मुख्यालय में 5 और हथुआ अनुमंडल में कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें VM इंटर कॉलेज, SS बालिका प्लस 2 विद्यालय, DAV प्लस 2 विद्यालय, MM उर्दू प्लस 2 विद्यालय और थावे में स्थित मुखीराम प्लस 2 विद्यालय शामिल है। इसके अलावा हथुआ अनुमंडल की बात करें
तो साहू जैन बालक प्लस टू विद्यालय, साहू जैन बालिका प्लस टू विद्यालय, इस्लामिया उर्दू कॉलेज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज, इसके अलावा श्री प्रताप प्लस टू विद्यालय शामिल है। तो इन 10 परीक्षा केंद्रों पर CCTV के साथ साथ जैमर लगाने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है। गोपालगंज के DM मोहम्मद मकसूद आलम ने यह कहा है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने सभी स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर की परिधि में अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से निषेधाज्ञा लगाई गई है। वहीं अगर बात करें परीक्षा की तो दोपहर में 12 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। कुल 2.5 घंटे की ये परीक्षा होगी और प्रतिदिन एक पाली में ही परीक्षा ली जाएगी। तो जहाँ प्रशासनिक स्तर पर BPSC परीक्षा को लेकर तैयारियाँ तेज हो गई है, वहीं अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा को लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है और परीक्षा केंद्रों के पास अभ्यर्थी पहुंचने लगे हैं। तो ऐसे में कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर प्रशासन की पूरी टीम इस वक्त जुट गई है। गोविंद कुमार, News18, पालगंज। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद BJP विधायक ललन पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, जनप्रतिनिधि के परिवार के पिता की हत्या का मामला है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसके परिवार को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए ताकि हम लोग संविधान की शपथ के अनुसार काम कर सकें। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि RJD कांग्रेस सरकार में हत्या नहीं हो रही थी। आज जनप्रतिनिधि को डर लग रहा है, बच्चों को अपने परिवार को बाहर भेजने में डर लगता है। ललन पासवान ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा जो मिली हुई है वो पर्याप्त नहीं है। बात करते हैं BJP के पीरपैंती से विधायक ललन पासवान से। ललन जी, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या होती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, मामला जनप्रतिनिधि के परिवार से पिता की हत्या का है। और कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसके परिवार को और उसको संपूर्ण सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो स्वतंत्र रूप से भयमुक्त होकर के वो काम कर सके। जिस तरह से संविधान का शपथ लेते हैं हम लोग और संविधान के शपथ के अनुसार हम काम कर सके। और आज विपक्ष को हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं, विपक्ष दूध की धुली हुई नहीं है। ऐसा नहीं कि राजद और कांग्रेस की सरकार में हत्याएं नहीं होती थी, नंगा नाच नहीं होता था। हम वक्त ये कहते हैं, वक्त है सुशासन की, वक्त है सभी जनप्रतिनिधियों को, उनके परिवारों को संपूर्ण सुरक्षा देने का, उनको भयमुक्त वातावरण देने का, ताकि राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में कोई काम कर सके। इसलिए आपको भय लगता है बिहार में, डर लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसे माहौल में किसी को भी भय लगता है, अच्छे अच्छे लोगों को भय लग रहा है। आज जनप्रतिनिधि सोच रहे हैं अपने परिवार को बाहर भेजने, अपने बच्चों को पढ़ने भेजने में, अपने परिवार को बाहर भेजने के लिए डर लग रहा है। आज हमारे साथ हम जो हमारा बदला हमारे परिवार से न ले, हमको डिस्टर्ब करने के लिए, हमको परेशान करने के लिए, हमारे परिवार को टारगेट आसानी से कर ले। जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मिली हुई है, वो भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। अब जाने जो वो भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं है तो डर तो हमको भी लगता है, डर सबको लग रहा है। ये थे BJP विधायक ललन पासवान। अमितेश सिंह, News18, दिल्ली। तो मुहर्रम जुलूस में हुड़दंग और ताजिया के नाम पर तांडव की घटना को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पटना के राजा बाजार में हुई घटना और मुजफ्फरपुर में पुलिस पर पत्थरबाजी को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर मुसलमानों का वोट लेने वाले लालू प्रसाद और कांग्रेस की जुबान नहीं खुलती। गिरिराज सिंह ने कहा कि NDA सरकार में दादागिरी नहीं चलेगी और इसका जवाब विपक्ष को देना होगा। जब ओबेशी संसद के अंदर फिलिस्तीनी जिंदाबाद कहें, बिहार के नवादा में फिलिस्तीनी झंडा फहरे, जम्मू कश्मीर में हो और तौकीर रजा जहर उगले और थोड़ी सी कम सीटें आने के कारण अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमानों के अंदर लालू यादव कांग्रेस ने जो समर्थन किया है, जुबान नहीं खुल रही है। जब वो मुसलमान का वोट तो लेते, लेकिन मुसलमान की हरकतों पर उनकी जुबान नहीं खुलती। वहां भी जो राजा बाजार में हुआ है उसके पीछे चंदा ही है। उन दुकानों को उस एरिया में धमकाना, वहां एक बड़ा मोहल्ला है मुसलमानों का, अब दादागिरी चलेगा, लेकिन चलेगा नहीं, क्योंकि NDA की सरकार है। इसका जवाब
उनको देना ही पड़ेगा। भारत को चुनौती दे रहे हैं, भारत के हिंदुओं में एक आक्रोश पैदा कर रहे हैं, ललकार रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कांग्रेस के नेता पंडित नेहरू उस समय अगर अंबेडकर की बात मान लिए होते, पटेल की बात मान लिए होते, राजेंद्र बाबू की बात मान लिए होते, सारे मुसलमानों को ट्रांसफर कर देते जिस समय टुकड़े टुकड़े हुआ भारत का, तो आज तौकीर अजा पैदा ही नहीं लेता। तो राजधानी पटना में मेट्रो का काम तेज गति से चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने भी आज मेट्रो कार्य का निरीक्षण किया। बिहार संग्रहालय के पास मेट्रो टनल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया और इसके बाद सीएम पुराना संग्रहालय भी पहुंचे और जायजा लिया। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही पटना संग्रहालय में भी आम दर्शकों के लिए इसे अब खोल दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है पटना संवाददाता विनीता मिश्रा। पटना में मेट्रो का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है और इस मेट्रो के निरीक्षण में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचे हैं। आप साफ तौर पर यहां देख सकते हैं बिहार मेट्रो का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार म्यूजियम पहुंचे हैं जहां पर टनल का निर्माण कार्य चल रहा है। बिहार में जल्द से जल्द मेट्रो शुरू किया जाए उसी के मद्देनजर निरीक्षण का दौर शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां निरीक्षण करने बिहार म्यूजियम पहुंचे हैं। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो 2026 में पहले चरण के तहत शुरू होने वाला है और उसके मद्देनजर कई स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। बिहार म्यूजियम के पास भी टनल का निर्माण कार्य हो रहा है और उसी के निरीक्षण के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार म्यूजियम पहुंचे हैं। इसके साथ ही साथ बिहार संग्रहालय, पटना म्यूजियम और मेट्रो का निर्माण कार्य, इन तमाम गतिविधियों का निरीक्षण आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं क्योंकि जो पुराना म्यूजियम है उसका निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। बिहार म्यूजियम और पुराने म्यूजियम दोनों के बीच सुरंग का निर्माण भी होगा, यानी तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण करने पटना संग्रहालय भी जाएंगे। और उससे पहले यहाँ जो बिहार म्यूजियम है वहां की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है, टनल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुंचे हैं। उनके साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पटना डीएम, एसएसपी, तमाम पुलिस पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद है। और यहाँ देख सकते हैं तस्वीर जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं, मेट्रो के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ टनल का निर्माण कार्य हो रहा है और उसी के मद्देनजर जो सख्त सुरक्षा है वो भी देखने को मिल रही है, जो गतिविधियां हैं वो नजर आ रही है। यहाँ साफ तौर पर आप जो तस्वीर है वो देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मेट्रो तेज गति से और उस पर काम होगा और बिहार के लोगों को नई सौगात मिलेगी। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना।